इसमें रोने की क्या बात है यार, मैंने बस बताना चाहा ना सामने वाले की फीलिंग्स तो समझो कि वो क्या सोच रहा है। तेरे बिन जीना है ऐसे, दिल धड़काना हो जैसे। काम कोई बंदा तो छोड़ नहीं सकता ना। फीलिंग्स नहीं समझ। अभी अचानक से तुम्हें क्या हो गया भाई? सर तुम बात करने की तो जरूरी है ना। तन्हाई मिलती है महफिल नहीं मिलती, राहें मोहब्बत में कभी मंजिल नहीं मिलती। देखो अगर आपको क्लियर करना है तो वो भी क्लियर कर दो, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं आप लोग सामने फिर से एक नए प्रैंक के साथ आया हूँ। आज का प्रैंक यार, जो लास्ट टाइम आंचल कौर ने मेरे को एक लड़के के साथ पैचअप करवाई थी, उससे धीरे धीरे बात होने लगी थी और थोड़ा मतलब सीरियस मैटर हो गया था। तो वो लड़की मैसेज करती रहती, मेरे पास टाइम नहीं रहता, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता। तो क्या करता हूँ, जाता हूँ कैमरा सेट करवा लेता हूँ और बात करते हैं। चलो कैमरा मैन थोड़ा संभाल के कैमरा सेट कर लो, वो बैठी है जहाँ पे। हाय, क्या हो गया, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? यार कुछ नहीं यार। क्या हुआ? हाँ बता भी दो, क्या हुआ? एक बात बताओ। हाँ बोल। कोई प्रॉब्लम है? मेरे को मुझसे प्रॉब्लम है? मैंने बोला तुमसे कभी? पर मेरे को बिहेवियर तो आपका ही लग रहा है। क्या मतलब? यार 24 घंटे होते हैं ना। हाँ 24 घंटे में आप मेरे को बता दो कि कितना टाइम देते हो। 24 घंटे में कितना टाइम देते हो यार? ये सब क्वेश्चन मेरे को अच्छा नहीं लगता करना। क्यों कर रही हो बताना? एक एक दो दो मिनट, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता। पता 4 बजे सोता हूँ मैं, वो भी 7:30 बजे उठना मेरे को। हाँ तो वो चीज़ें ठीक है ना, आप उठते हो, आप करते हो काम, बट थोड़ा टाइम मेरे को भी तो दे सकते हो ना। मतलब कहना क्या चाह रही हो बताओ ना। कहना क्या यार, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो आप, टैग करके फिर छोड़ देते हो ना, और फिर व्हाट्सएप पे क्लिक हो जाता है, छोड़ देते हो यार। ये यार मैं तो मेरे पास मोबाइल फोन करो नेटवर्क के बाहर 10 बार फोन ट्राई करती हूँ मैं, 10 बार। यार एक तो पहली बात, मेरे पास मोबाइल रहता नहीं है, कोई भी सीन करके छोड़ देता हूँ, मुझे क्या पता, मैं देखता भी नहीं हूँ। चलो ठीक है, कोई सीन करके छोड़ देता है, बट आपको नहीं है कि आपको बात करती हूं। यार बात करने टाइम रहता, मैं खुद कर लेता, पता है सबका एडिट करके अपलोड करना, वीडियो सारा शेड्यूल मेरे को करना पड़ता है, सिस्टम तो क्या करूं, कैसे करूं बताओ। तो यार काम होता है, काम इंपॉर्टेंट होता है, बट तो भी यार थोड़ा तो टाइम दे सकते हो। कितना टाइम लेना चाहती हो बताओ? कितना टाइम क्या यार, मेरे को बस एटलीस्ट हाय हेलो तो होनी चाहिए ना दिन में। तुम तो ऐसे बोल रही हो ना, पहले तो ऐसा था कि मतलब 2 मिनट भी बात कर लिया तो ठीक है, अभी 10 दिन भी नहीं हुआ पैचअप का। बट यार तुम तो इतना बड़ा बता रही हो। वही तो 10 दिन भी नहीं हुआ और फिर आपका बिहेवियर एकदम से कैसे चेंज? बिहेवियर के इसमें क्या गंदा काम कर रहा हूँ कि किसी लड़की से बात कर रहा हूँ मैं? यार मैंने कब बोला कि गंदा काम कर रही हूँ? मेरे नंबर पे कॉल लगता बता? नहीं लगता ना, वही तो प्रॉब्लम। तो वही तो दिक्कत है ना, मैं खुद नेटवर्क तो नहीं रहता, बहुत अच्छा लगता मुझे, व्हाट्सएप पे कॉलिंग आता मुझे पता नहीं चलता, अब किसका कॉल आ रहा नहीं आ रहा, पहले तो बहुत कॉल भी आता था, अब तो नेटवर्क नहीं रहता तो कॉल नहीं लगता, तो ये मुझे अच्छा लगता। वही तो प्रॉब्लम है ना, मैं कॉल करती रहती हूँ, आप तो फोन लगता ही नहीं है। तो कर लिया कर सैंडी वाले पे, चाहे वो टीएस वाले पे, किसी पे डिस्टर्ब करूँ मैं दूसरों? तुम भी लेके जाते तो बट आपको भी तो होना चाहिए ना कि चलो ठीक है मेरे को बात करनी है या तो कुछ भी। पर गलत क्या किया पहले तो ये तो बता दो यार, थोड़ा तो बात करो ना, टाइम बात तो कुछ प्रॉब्लम है, या तो आपने हाँ कर दिया, पहले तो आपने हाँ कर दिया फिर आप मेरे को टाइम नहीं दे रहे, तो बहुत आपको भी पता है कि यार टाइम नहीं देता तो अभी आ जाता तुम्हारे पास, ये बताओ। यार आ गए, हाँ ठीक है वो आ गए, बट मैं मान रही हूँ कि आ रहे हो, टाइम भी चलो ठीक है, हाँ हेलो होती भी है, बट थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो। कितना टाइम चाहिए ये बताओ तुम? यार 10-15 मिनट दे दो और क्या। यार तुम ऐसा सीन कर रही हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तुम ऐसे बोल रही हो, कल को कुछ और बोलेगी, परसों कुछ और बोलेगी, यार मतलब समझ में नहीं आ रहा यार। काम कोई बंदा तो छोड़ नहीं सकता ना। फीलिंग्स नहीं समझो। मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हें, मैं ये बोला, बात होती थी ना सही से होती थी ना, 2 मिनट 3 मिनट 3-4 दिन तो 5 दिन जो भी हुआ बात हुआ ना, चलो कोई नहीं काम कर लो पहले, अभी अचानक से तुम्हें क्या हो गया भाई? तुम बात करनी थी तो जरूरी है। बात करनी थी तो जरूरी है।
चलो यार, होगा क्या? अगर कुछ प्रॉब्लम है, मेरे से प्रॉब्लम है तो वो भी बोल दो। तुम रो क्यों रही हो? मैंने यार टाइम नहीं है मेरे पास, तुम रो क्यों रही हो? मुझे अच्छा नहीं लगता है यार ऐसे रोती। देखो अगर आपको क्लियर करना है तो वो भी क्लियर कर दो, क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा, अब बहुत ज़्यादा हो गया। तुम्हें टाइम चाहिए ना, मैं दूंगा, लेकिन यार रो मत, मुझे अच्छा नहीं लगता यार ये रोना। क्या हुआ पहले बताओ, रो क्यों रही हो इतना? कुछ नहीं यार, आप फीलिंग्स तो समझो ना यार। मैंने तुम्हें गलत बोला कभी? गलत नहीं बोला, मैं कब बोल रही थी गलत बोला? मतलब सामने वाले की फीलिंग्स तो समझो कि वो क्या सोच रहा है। यार मेरे पास टाइम रहता ना, भगवान ने 48 घंटे का टाइम देता ना, तो शायद तो 24 घंटे तुम्हें दे देता, मजाक नहीं। पर पता है मैंने इतना काम ले रखा ना, सबको काम करना पड़ता है ना, क्या करूँ, मैं खुद परेशान रहता हूँ, कुछ समझा करो। तो मुझे क्या करना है आगे का? मैं यार तुम्हें तो मना किया कभी, मेरे पास जितना बनता मैं सोचता हूँ कि तुम्हें टाइम दूँ, लेकिन अगर तुम मेरे पास आके देखोगे ना तो पता चलेगा कितना रहता हूँ मैं। तो फिर आगे का क्या करना है, मेरे को बता दो। मतलब क्या हो गया, 10 दिन हुआ ना, 10 दिन में तुम समझ की नहीं रही हो। तुम्हें दूंगा टाइम, ठीक है? अभी बंदे, 2 बंदे लाने वाला हूँ एडिटिंग के लिए, हर चीज़ के लिए स्पेशल, ठीक है? वो सब काम करेगा, फिर टाइम मेरे पास रहेगा। मैं मम्मी तक की बात नहीं करता हूँ, देख मेरे को कॉल कितना आया होगा, मम्मी का, दीदी का। आपने बताया तो कि आपको टाइम नहीं मिलता, बट मैं भी तो यही है ना कि यार थोड़ा तो टाइम दे सकते हो ना। मैं दूंगा यार, कहाँ करो, नहीं दूंगा। आई नो यार, टीएस से बात हुई है ना, संडी से बात हुई है, उसने बताया तुम्हें? अचानक से क्या यार, पूछना तो होता है ना कि मैं क्या करना चाहती हूँ यार, मैं भी बिजी रहना चाहती हूँ आपकी तरह, और मैं भी सब कुछ यार, किसको नहीं चाहिए कि कौन बिजी ना रहे अपनी लाइफ में, सब कुछ चाहिए ना। मैं चाहता हूँ यार कि मैं, अच्छा तुम्हें क्या दिक्कत है बताओ, दिक्कत क्या? प्रॉब्लम ये है कि यार थोड़ा बात करो अपना, मेरे बारे में पूछो, मेरे बारे में यार एटलीस्ट, अगर जो भी है मेरे दिल में, आपके दिल में जो भी, एटलीस्ट उसको तो बोलो यार। तो मैं क्या बोलूँ यार, तुम समझते नहीं हो यार, बहुत ज़्यादा मैं खुद अंदर से वो फील करता हूँ ना, जो मैं बता नहीं सकता, कि मेरी मम्मी से बात नहीं कर पाता हूँ, दीदी लोग से बात नहीं कर पाता हूँ, तुमसे बात नहीं कर पाता हूँ, मतलब लगता है, लेकिन क्या करूँ, नेटवर्क नहीं रहता पहली चीज़ तो, उस दूसरी नहीं है मेरे में, और थर्ड ये कि मेरे को एडिटिंग करना पड़ता है, सबका काम करना पड़ता है, कितना बार बताऊँ यार। यार मैं मानती हूँ कि आपको इतना ज़्यादा काम होता है, बट थोड़ा तो टाइम दोगे ना आप, थोड़ा तो टाइम देना बनता है ना, इतना तो चलता है ना। आप जानो तो एटलीस्ट, आप जिसके साथ सोच रहे हो आप उसको जानो तो कि वो है कैसे, वो करना क्या चाहती है। टाइम निकाल के आया ना मैं, अच्छा तो नहीं आता? टाइम निकाल के आए, चलो ठीक है, वो मैं मान रही हूँ कि आप टाइम निकाल के आए, बट ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ऐसा कौन करता है यार। तुम भी मतलब क्या समझ रही हो, मुझे नहीं पता, मेरे को गलत वे में समझ रही हो क्या? गलत वे में नहीं समझ रही, बट एटलीस्ट टाइम तो दो यार मेरे को। टाइम दूंगा ना मैं यार, टाइम रहेगा तो मैं पूरा दूंगा तुम्हें, पूरे फैमिली और तुम्हें बस, लेकिन टाइम कहाँ है यार, टाइम ही नहीं है ना डेली का। डेली आंचल से जब आंचल ने हमारी बात कराई थी तो फिर क्यों हाँ बोला था आपने? मैंने हाँ इसलिए बोला, मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि मैं आपसे बात ही करूँगा हमेशा, मैंने बोला काम भी ज़रूरी है। काम ज़रूरी, हाँ ठीक है मैं समझती हूँ कि आपका काम ज़रूरी है आप, बट थोड़ा तो यार टाइम दे सकते हो ना आप, मेरे बारे में जानो कि आप अपने बारे में बताओ कि आपका, आप क्या करना चाहते हो। आपकी वीडियोज़ देख देख के मैं वैसे ही रहती हूँ। तुम क्या करना चाहते हो बताओ, तुम तो बता सकते हो। अभी आप पूछ रहे हो, जब मैंने बोला तो अब आप पूछ रहे हो। यार क्या करूं यार, तुम भी मतलब गलत बे में लेते जा रही हो। मुझे पता है कि मैं खुद तुम्हें नहीं बता सकता, मेरी गलती है मानता हूं, लेकिन मैं बताऊंगा ना, धीरे धीरे बताऊंगा ना, ऐसी कैसे बता दूं डायरेक्ट, मेरे पास टाइम तो होना चाहिए ना। मैं 2 बात बोल दिया, उसके बाद फिर आधी बात पे रह गई, तो तुम समझोगे कि यार ये कितना बताया, फिर बताया तो बता दो ना कि आपको फाइनल क्या करना है। मुझे आपको अगर टाइम नहीं है तो फिर मेरे को छोड़ दो, फिर तो फिर कोई बनता ही नहीं, फिर रहने दो, फिर बात बता, आप बता दो आपको कितना टाइम चाहिए, आप कब तक फ्री हो जाओ, सब कुछ बताओ यार मेरे को। कुछ बताओगे तभी तो मेरे को पता लगेगा ना आप कब तक फ्री हो रहे हो, आपको टाइम चाहिए, आप टाइम बोलो ना कि आपको कितना टाइम चाहिए। मैं खुद टाइम निकालना चाहता हूँ, लेकिन निकल नहीं पाता है ना, क्या करूँ।
यार तुम समझ नहीं रहे हो, 5-6 बंदों का करना काम। आई नो यार, तो फिर सोचो आप बिजी रहते हो, बट यार इतना भी टाइम नहीं है कि आप 2 मिनट भी, मतलब यार 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते पूरे दिन में। तुम आके रो दी, मतलब मुझे हट नहीं हुआ कि तुम रो गई, तुम मतलब इमोशनल, मतलब मेरे चक्कर में तुम परेशान हो, मेरे को केयर कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें पूछूं मैं, लेकिन टाइम भी तो होना चाहिए। मेरी माँ 3 बार कॉल करती है, क्या क्यों उनसे बात नहीं कर सकता मैं यार? अभी 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 3 कॉल आया, मैं यहाँ पे शूट पे हूँ, यहाँ पे बात करूँगा, मम्मी को आधी बात बताऊँगा तो फिर उन्हें भी लगेगा कि यार आधी बात करती। टाइम होना चाहिए ना, टाइम से फिर वो करके टाइम होना चाहिए, बट यार मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करूँ, मेरी गलती तो नहीं है ना। मैं तुम्हें गलती दे रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम केयर करते हो, मेरे पे मैसेज करते रहती हो, लेकिन खुद मैं मुझे शर्म आती है यार। तो फिर आप बता दो आपको कब तक आप फ्री हो जा रहे हो, कब तक कितना टाइम चाहिए, सब कुछ बता दो। मैंने तो बोला ना 2 से 3 दिन में मैं सब चीज़ प्लानिंग करने वाला हूँ, हर सिस्टम कर दूंगा, उसके बाद टेंशन नहीं रहेगा। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर मैं, हाँ पक्का। लेकिन यार मैं टाइम दूंगा, लेकिन काम के बाद। आई नो कि आप काम करो पहले, आप काम बहुत ज़रूरी है, ठीक है पहले काम है, बाद में ही मैं हूँ ऑफकोर्स, बट थोड़ा तो वर्क बनता है ना यार, थोड़ा टाइम दो कुछ भी, तुम थोड़ा जानो या तुम मेरे से पूछो कि मैं क्या करना चाहती हूँ, आप बताओ। अब मेरे को नहीं पता यार आपके बारे में ज़्यादा, और जितना पता है उससे अच्छे लगे तो अभी बात कर रही हूँ मैं। तुम इतना अंदर से दुखी होकर बोल रही हो ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं क्या करूँ, आप बता दो ना, अगर मुझसे प्रॉब्लम है तो ये भी बता दो। मैं बोला तुमसे, हाँ तो फिर बात नहीं कर रहे तो सामने वाला क्या सोचेगा? मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कोई पूछे। तो पूछती तो यार, बट रिप्लाई भी तो आना चाहिए ना। वही ना कि मुझे कोई पूछे, लेकिन अब जब पूछने टाइम था जब कोई नहीं पूछा, अब जब पूछने के लिए मतलब अब टाइम नहीं है मेरे पास तो पूछने वाले हैं, ऐसा लगता है कि मैं उसे केयर नहीं कर लूँगा, मुझे खुद लगता है, लेकिन यार क्या करूँ। मैं समझ रही हूँ यार आप जो समझाने की कोशिश। कितना टाइम चाहिए बताओ, मैं वो टाइम निकाल लूँगा तुम जैसे भी हो। मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे पास 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट टाइम नहीं लगता, लेकिन यार जब बात करूँ तो फिर 10 मिनट बात करूँ, आधी बात करूँ, तुम्हें भी एक ख़राब लगेगा, मुझे भी ख़राब लगेगा, तो इससे अच्छा है कि बात नॉर्मली चले, जब टाइम रहेगा तब बात करूँ। तो आप बता दो, जब नॉर्मल आपको जब टाइम मिलेगा तो फिर हम बात कर लेंगे, इतने इशू नहीं है, बट आप बताओ तो अपने कुछ तो बताओ यार बस। हाँ ठीक हूँ, ठीक है यहाँ पे हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ अभी, ये सब क्या होता है? हाँ अभी बात भी नहीं कर रही यार, मेरी तरफ तो देख लो अब। इसमें रोने की क्या बात है यार, मैंने बस बताना चाहा ना। प्लीज मेरी तरफ देखो तो, क्या प्रॉब्लम है यार बोलो तो। मैं तुम्हें केयर नहीं करता हूँ ना, तो रो क्यों रहे हो? मैं गलत करता हूँ ना? क्या गलत यार, मेरे को बस बताना था कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, किसी से बात करता हूँ मैं। हाँ किसी से बात करता हूँ? नहीं मैंने बोला कि आप किसी से बात करो। गलत क्यों ले रही हो मेरी बात को? बस आप चुप हो जाओ, तुम मेरा तुम बोलती हो अच्छा नहीं लगता मुझे। ठीक है मैंने बोला, बोलने का मतलब ये नहीं होता, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, मैं पता है कि मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है ना। बट उसको चीज़ें समझो ना, आप ऐसे क्यों रो रहे हो, रोने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा ना। तुम रो रही हो मुझे अच्छा लगा, तुम रो रही अच्छा लगा बताओ। चलो ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है कहाँ जा रही हो, मुझे छोड़ के जाओगे? चलो चलो बाहर तक तो चल रहे, क्योंकि वो भी टाइम नहीं है। चलता हूँ।